तो चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो कि आपके सवालों का जवाब देगा। तो इस चैट जीपीटी को एआई की मदद से डेवलप किया गया है और हाल ही में नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और एकदम से ये पॉपुलर हो गया है। तो मैंने सोचा कुछ फाइनेंशियल क्वेरीज भी इसको पूछ लेते हैं, तो मैं शॉक्ड हो गया कि किस तरीके से इसमें जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो हमने फाइनेंशियल क्वेरीज पूछे हैं उसको देखकर मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। चलिए देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें फाइनेंशियल क्वेरीज का कैसे जवाब देता है। तो चलिए चैट जीपीटी से कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे चैट जीपीटी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला यूआरएल है चैट जीपीटी का, राइट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको दिख जाएगा। चैट जीपीटी इज अ चैट बॉट लॉन्च्ड बाय ओपन एआई इन नवंबर 2022। सो हाल ही में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था और अभी के लिए ये फ्री है। तो चलिए हम लॉग इन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको ट्राई बटन दिखेगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो में हमारा जो चैट जीपीटी है वो ओपन हो गया। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपके जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि अगर हमारी 6 लाख की इनकम है तो हमारा कितना इनकम टैक्स होगा। सो हाउ मच इनकम टैक्स ऑन ₹6 लाख ईयरली इनकम, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए एंटर पे हमने प्रेस कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, इनकम टैक्स इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स स्लैब दैट अप्लाइज टू योर इनकम। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छे से हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। इंडिविजुअल्स हु आर बिलो द एज ऑफ 60 इज एज फॉलोज, तो ये टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में बता रहा है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो टैक्स स्लैब रेट्स है ये न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से है, और यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस इफ योर ईयरली इनकम इज 6 लाख यू वुड नॉट हैव टू पे एनी इनकम टैक्स एज योर इनकम इज बिलो द टैक्स फ्री लिमिट ऑफ 2.5 लाख। अरे यार ये तो डिसअपॉइंट कर दिया हमें। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन सही नहीं है यहाँ पे, शायद से चैट जीपीटी को हमारा क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया 6 लाख की ईयरली इनकम पे कितना टैक्स होगा। हमारा जो फिनकैल्सी इनकम टैक्स कैलकुलेटर है एटलीस्ट हमारा कैलकुलेटर करेक्ट आंसर दे देगा। तो अगर आप फिनकैल्सी ब्लॉग को सर्च करते हो, यहाँ पे ये वाला यूआरएल finkelsey-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, हम यहाँ पे जाएंगे और जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है हमें वो यूज करना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर के सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 और 0 से लेके 60 एज है, और समझो अगर हम बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अप्लाई ना हो ऑटोमेटिकली, 6 लाख की इनकम पे हमको कितना टैक्स होगा, 33,800 ओल्ड टैक्स रेजिम, 23,400 न्यू टैक्स रेजिम। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो इसने 0 इनकम टैक्स बताया है। चलिए इसको किसी और तरीके से पूछते हैं, कितना इनकम टैक्स लगेगा ₹6 लाख इनकम FY 2022-23। चलिए हिंदी में हम पूछ लेते हैं इसको। तो इनकम टैक्स इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए बिलो द एज ऑफ 60 इज एज फॉलोज, तो ये टैक्स स्लैब रेट जो है हमें वापस से दिखा रहा है, जो कि टैक्स स्लैब रेट्स दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है लेकिन ये इसका आंसर गलत है दोस्तों। तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन में चैट जीपीटी पास नहीं होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पीपीएफ में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सो हाउ मच इंटरेस्ट इन पीपीएफ ऑन ₹1,000 मंथली डिपॉजिट। तो समझो अगर हम मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं ₹1,000 का, तो पीपीएफ में हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये पूछा है हमने। द इंटरेस्ट रेट ऑन पीपीएफ अकाउंट इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज रिव्यूड। तो चलिए ये तो करेक्ट बताया इसने। द करंट रेट ऑफ द पीरियड डिसम्बर तक 2021 तक 7.1 है, वैसे भी जनवरी से लेके मार्च भी 7.1 का ही चल रहा है। यू विल अर्न इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.1% पर एनम ऑन योर डिपॉजिट्स, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन हर महीने का इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अच्छा यहाँ पे है, इफ यू डिपॉजिट 1,000 पर मंथ फॉर अ ईयर द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द ईयर वुड बी 1,000। अच्छा, एट एन इंटरेस्ट रेट अर्नड द दिस अमाउंट इन अ ईयर वुड बी ₹12,000, 7.1 डिवाइडेड बाय 100, 852। तो दोस्तों यहाँ पे ₹852 का इंटरेस्ट दिखा रहा है। चलिए इसको हम कंफर्म करते हैं हमारे कैलकुलेटर को यूज करके। यहाँ पे पीपीएफ का भी कैलकुलेटर है मेरी वेबसाइट पे। तो हम यहाँ पे ₹1,000 का मंथली डिपॉजिट करते हैं। तो क्विकली मैं ₹1,000 का मंथली डिपॉजिट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हर महीने 1,000 डिपॉजिट करने के बाद भी टोटल इंटरेस्ट जो है 462 आया है दोस्तों। अब ये क्यों आया है,
क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो पूरे 12,000 रुपए पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट लिया है, लेकिन क्या ये पूरे 12,000 एक महीने में ही इन्वेस्ट किए गए हैं? नहीं, इसको जो है डिवाइड किया गया है, 1,000 रुपए का डिपॉजिट मंथली किया है, और इसी की वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो ऊपर नीचे जाएगा। अगर पूरे 12,000 रुपए आपने अप्रैल के महीने में किए होते तो शायद से ये वाला जो इंटरेस्ट है वो मैच होता। तो दोस्तों यहाँ पे भी ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है। मे भी शायद से ChatGPT ये क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ पाया कि हमने मंथली डिपॉजिट किया है 1 साल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपए का, 8% के हिसाब से हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में? तो यहाँ पे हाउ मच इंटरेस्ट इन FD ऑन ₹10,000 डिपॉजिट एट 8% इंटरेस्ट रेट। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि ChatGPT हमको क्या कैलकुलेशंस दिखाते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट यानी कि FDs आर द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर्ड बाय बैंक्स। चलिए ठीक है, ये सब तो इंट्रोडक्शन हो गया FDs का। हम जो इंटरेस्टेड हैं वो है नंबर्स में कि कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एंड अ डिपॉजिट 10,000, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द FD एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड विल डिपेंड ऑन द टेन्योर ऑफ द FD। हाँ भैया, 1 साल के लिए बोला है हमने शायद से। अच्छा, 1 साल हमने मेंशन नहीं किया है। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ये AI जो है अपना दिमाग चला रहा है यहाँ पे। तो 1 साल के लिए 800 रुपए हमको मिलेंगे 8% के हिसाब से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे FD में तो कंपाउंडिंग होता है शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, तो सिर्फ 800 ही मिलेंगे। चलिए हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पे FD कैलकुलेटर भी है हमारे पास। तो यहाँ पे 10,000 रुपये समझो अगर हमने इन्वेस्ट किया है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है 8% है, 1 साल के लिए 8.24 होगा, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट जो है ऊपर का 24 रुपए का वो हमें कंपाउंडिंग के तौर पे मिला है। लेकिन यहाँ पे तो भैया ने 800 रुपए दे दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे भी जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इनकरेक्ट है, हम टोटली इस पे डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे साल में देखिए 8.16% दिया है शायद से कंपाउंडिंग यहाँ पे ले रहा है वो। चलिए 2 साल का देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ईयर्स का अगर हम करते हैं फिर भी 1,717 का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भैया ने थोड़ा सा कम हमें इंटरेस्ट दिया है, 1,664 रुपीज का ही एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट हो रहा है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं मैं जहां तक कैलकुलेशंस का सवाल है। यहाँ पे भैया ने ये भी बताया कि कीप इन माइंड दैट दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स एंड द एक्चुअल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन FD में वेरी। तो ये भाई साहब हमें ठीक ही बोल रहे हैं कि ये जो भी कैलकुलेशंस है उस पे हमें कंप्लीटली निर्भर होकर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ChatGPT को, वो इन्फॉर्मेशन एज अ ट्रेनिंग के तौर पे दी गई है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसको दिया गया है वही इन्फॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करेगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर इसको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो वो भी हमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही देगा। लेकिन ये हमारा काम है अपनी तरफ से सावधानी बरतना और इसके रिजल्ट्स पर कंप्लीटली निर्भर न होना। लेकिन जहां तक नॉलेज का सवाल है, फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करते हैं, उस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगा किस तरीके से यहाँ पे इसने मेंशन किया है कैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स पे कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसके अलावा इससे भी मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं कि किस तरीके से ChatGPT भाई साहब ने हमें इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के बारे में बताया। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन जहां तक कैलकुलेशंस का सवाल है तो हमें इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, SIP में हमें कितना रिटर्न्स मिलेगा? तो SIP रिटर्न्स ऑन ₹2,000 मंथली डिपॉजिट हम करते हैं, सो 2,000 मंथली SIP एट 12% का इंटरेस्ट रेट लेते हैं। तो 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न डालता हूं मैं, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो दोस्तों यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्शन दिया है ChatGPT भाई साहब ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है। SIPs आर कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूँ जहां तक इसका जो नॉलेज है उसको अगर हम कंसिडर करें। लेकिन जहां तक कैलकुलेशंस का सवाल है, चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, कितना रिटर्न्स मिल सकता है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग ₹2,000 पर मंथ इन अ म्यूचुअल फंड दैट हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12%, द पोटेंशियल रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली
12% पर ईयर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ हमें रुपीज में रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो भाई साहब ने परसेंटेज में रिटर्न हमें बता रहे हैं। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट दी एक्चुअल रिटर्न्स ऑन SIP में भी हायर और लोअर। चले ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन भैया ये क्या है, इन्वेस्टमेंट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 12% पर ईयर। हाँ, ये तो हमने मतलब आपको एज अ इनपुट दिया है, तो शायद से आप हमारी बात नहीं समझ पाए। SIP रिटर्न्स हमें कितना मिलेगा, मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए मैं वापस से इसको रीफ्रेज करता हूँ यहाँ पे, हाउ मच SIP रिटर्न्स आई विल गेट। चलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर लेते हैं यहाँ पे, हाउ मच SIP रिटर्न्स आई विल गेट ऑन ₹2,000 मंथली SIP एट 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो चलिए, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट रिटर्न्स। हाँ भैया, हमको भी बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि कैसे हम मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न को प्रेडिक्ट कर पाए, लेकिन ठीक है, हमने आपको 12% का रेट दिया, हमें पोटेंशियल रिटर्न्स बताइए। अच्छा, रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 12%। नहीं भैया, मैं तो लेकिन अच्छा यहाँ पे दिया है, इफ यू इन्वेस्ट 2,000 द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, इफ द एंडिंग वैल्यू ऑफ योर SIP एट द एंड ऑफ द ईयर इज ओके, द टोटल रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट वुड बी टोटल रिटर्न्स। तो भैया ने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस किया है टोटल रिटर्न्स का, और वापस से हमको 20% पे लाकर रख दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है 28,800। चलिए हम अपना SIP कैलकुलेटर ही यूज कर लेते हैं फाइनली, चलो देख ही लेते हैं कि कितना रिटर्न्स मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे SIP अमाउंट हमारा ₹2,000 का हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% डालूंगा मैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट 25,619 यानी कि 1,619 का रिटर्न होना चाहिए। लेकिन ये भैया कुछ और ही मतलब हमें नंबर दे रहे हैं जो कि हम निर्भर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों हाँ, मतलब अगर आपको ChatGPT यूज करना ही है, आप इसकी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है SIP को, ये मैं बहुत ही इंप्रेस हो गया हूँ इस इंफॉर्मेशन को लेकर। लेकिन जहां तक इसका कैलकुलेशन का सवाल है, जहां तक हमने डिफरेंट क्वेश्चन पूछे हैं इनकम टैक्स को लेकर, PPF को लेकर, FD को लेकर और SIP को लेकर, तो कैलकुलेशंस ऑन द स्पॉट एक्यूरेट नहीं थे। तो आप इस पे डिपेंडेंट मत होइएगा आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उसको लेने के लिए। तो प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हाँ आप उसकी मदद ले सकते हो आपका जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कौन से क्वेरीज पूछे हैं ChatGPT को, जहां तक आपके खुद के पर्सनल फाइनेंस का सवाल है। तो जैसे कि आपने देखा, ChatGPT के जो रिस्पॉन्सेज हैं थोड़े से जो है एक्यूरेट थे, लेकिन ज्यादातर जो है एक्यूरेसी नहीं थी इसमें अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें। लेकिन अगर आपको समझना है कि SIP क्या है, PPF क्या है, इसके अलावा इनकम टैक्स में क्या टैक्स स्लैब रेट्स हैं, ऐसे तरीके के अगर आप इंफॉर्मेशनल क्वेरीज इसको पूछते हो, तो इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। याद रखिएगा कि ये एक चैटबॉट है जिसको ट्रेन किया गया है। इस ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी डेटा इस चैटबॉट को फीड किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है, सिर्फ वही डेटा उसके पास है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इसके पास कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, यानी कि हाल ही में जो भी न्यूज आ रही है बॉलीवुड के रिलेटेड या फिर हॉलीवुड के रिलेटेड, इसके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये न्यूज पर्पज के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हो, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल भी हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप इस बॉट के मदद से इसको ये पूछ सकते हो कि और आइडियाज क्या हो सकते हैं आपके फील्ड में। कैलकुलेशंस को लेकर अगर आप ChatGPT के रिस्पॉन्सेज पर निर्भर होते हो, तो दोस्तों ये वाइज डिसीजन नहीं रहेगा। हमको इसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए जो भी अगर हम डिसीजन लेना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने कौन सी फाइनेंशियल क्वेरीज या फिर और कोई भी क्वेरीज ChatGPT को पूछी है, और आप भी शॉक्ड रह गए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के द्वारा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।